ओम शांति। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखदायी बन जाए, सुखमय बन जाए, सदा हम सुख के झूले में झूलते रहें, तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें कि मानो बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हैं, अभाव कैसे भी हैं, चाहे जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां पेपर हैं, लेकिन फिर भी जीवन में सदा सुख रहे, सदा सुख के झूले में हम झूलते रहें और हमारी आंतरिक स्थिति सदा सुखमय रहे। और जब आंतरिक स्थिति सुखमय होगी तो जीवन भी सुखी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें? तो बाबा ने कहा है कि बच्चे, ऐसा तभी होगा जब हम न्यारे बनेंगे। न्यारे किस रूप में बनना है? दृष्टि और वृत्ति में न्यारे बनना है। ब्राह्मणों की वृत्ति कैसी होनी चाहिए? किसी को भी देखते हो तो आत्मिक वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से देखो, उस भाव से मिलो। वृत्ति माना एक अवेयरनेस, नेचुरल अवेयरनेस की ये आत्माएं हैं। दृष्टि माना इन नयनों से शरीर को देखते हुए भी आत्मा दिखे कि ये आत्मा है। मस्तक पर हमारी नजर जाए कि ये आत्मा है, और फिर जैसी दृष्टि हो जाएगी वैसी सृष्टि बन जाएगी, हमारी संपूर्ण सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। अगर वृत्ति और दृष्टि में आत्मिक दृष्टि है तो फिर सृष्टि कितनी सुंदर हो जाएगी, क्योंकि आत्मिक वृत्ति दृष्टि है ही श्रेष्ठ। शरीर को देखते हुए भी आत्मा को देखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे शरीर तो साधन है लेकिन इस साधन में विशेषता किसकी है? आत्मा की है। आत्मा निकल जाती है तो शरीर के साधन की क्या वैल्यू है? आत्मा नहीं है तो देखने से भी डर लगता है कि ये तो डेड बॉडी है। तो विशेषता किसकी है? आत्मा की। प्यारी चीज कौन सी है? आत्मा है। तो ब्राह्मणों के, हम बाबा के बच्चों के संसार में स्वतः चलते फिरते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति है। तो दुख का कोई भी नाम निशान नहीं है, बहुत नोट करने वाली बात है, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, आत्मिक वृत्ति और दृष्टि में रहते हैं, तो क्या होगा? सदा सुख ही सुख होगा, सुखदायी सुखमय जीवन बन जाएगा। और यही सुखदाता बाप शिव बाबा का वरदान है, उसका वर्षा है। तो इसलिए संसार ही सुखमय बन जाएगा, सुख ही सुख दिखाई देगा, चलते फिरते सुख की अनुभूति होगी, दुख धाम की सारी स्थितियां, सारे प्रभाव मिट जाएंगे और जीवन सुखी हो जाएगा। तो एक छोटा सा परिवर्तन, आत्मिक वृत्ति और दृष्टि को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो। इसको बहुत गहराई से अपने अंदर अनुभव करो और बार बार करो। और शुरू में हमें मेहनत होगी, लेकिन जितना जितना हम अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, इसको निरंतर करते जाएंगे, तो सब नेचुरल होगा और जीवन खुशियों से, सुखों से भरने लगेगा। ओम शांति।